Hello students, a very good morning to all of you. I hope you kids are all fine and safe at home and also enjoying the online classes. Aap logo acha lag raha hai online classes? It's good. Okay children, so now let's start our class for today. We are doing lesson number 2, Sleepy Mr. Sloth. Hum yehi lesson kar rahe hai na, Sleepy Mr. Sloth ki. तो चलिए हमारा जो है उसमें हमारी हार्ड वर्ड्स भी हो गए एंड वर्ड मीनिंग्स भी हो गए. आज हम इस लेसन की बुक एक्टिविटीज को करते हैं. उसके लिए आप बच्चे अपना बुक खोलो और पेज नंबर 38 पे आ जाइए, है ना. ये पेज नंबर 38 इसको खोल दीजिए, ठीक है. और ये एक्सरसाइज आज हम करेंगे, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज व्हिच इज गिवन इन पेज नंबर 38 ऑफ योर बुक. नाउ लेट्स सी व्हाट द एक्सरसाइजेस आर. First exercise is, which is Mr. Sloth's favorite thing? W-H-I-C-H, which, I-S-E-S, M-R, Mr. S-L-O-T-H-S, Sloth's F-A-V-O-U-R-I-T-E, favorite, T-H-I-N-G, thing. मतलब कि Mr. Sloth का favorite मतलब जो उनका सबसे पसंदीदा चीज है वो क्या था? क्या था मिस्टर स्लॉथ को क्या सबसे अच्छा लगता था? सबसे अच्छा क्या करना अच्छा लगता था उनको? उनको योनिंग करना अच्छा लगता था, उनको क्लाइंबिंग करना अच्छा लगता था, कि उनको स्लीपिंग करना अच्छा लगता था. योनिंग मतलब उबासी लेना, है ना. अपन को जो नींद आ रही होती है तब हम या अपन थके हुए रहते हैं तो क्या करते हैं, उबासी लेते हैं ना. तो वो पूछा है उनको ये करना अच्छा लगता था, उनको उबासी लेना अच्छा लगता था, कि उनको क्लाइंबिंग मैंने पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, कि उनको स्लीपिंग यानी कि सोना पसंद था. उनको क्या चीज अच्छा लगता था? आप लोगों को पता है ना उनकी सबसे फेवरेट चीज क्या थी? योनिंग करना था, क्लाइंबिंग करना था, कि स्लीपिंग करना था? स्लीपिंग. उनकी सबसे खास अच्छी बहुत पसंदीदा चीज क्या थी? स्लीपिंग. तो आप बच्चे स्लीपिंग पे जाके उस बॉक्स पे टिक कर दो, ठीक है. क्योंकि इन तीनों में से सही क्या है? स्लीपिंग. मिस्टर स्लॉथ का सबसे पसंदीदा काम था सोना. तो आप वहां पे जाके ऐसा टिक लगा दो, ठीक है. फिर आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे. व्हाट इज द जिराफ डूइंग? डब्ल्यू एच ए टी व्हाट, आई एस ई टी एच ई, द जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ, डी ओ आई एन जी, डूइंग. आपसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द जिराफ डूइंग, जिराफ क्या कर रहा है. लेसन में आया था ना उस वक्त जिराफ क्या कर रहा था? स्लीपिंग कर रहा था. एस एल डबल ई पी आई एन जी, स्लीपिंग माने सो रहा था वो. ई ए टी आई एन जी, ईटिंग, ईटिंग मतलब वो कुछ खा रहा था. एस क्यू यू ए डब्ल्यू के आई एन जी, स्क्रैकिंग कर रहा था. स्क्रैकिंग मतलब क्या होता है? जोर की आवाज करना. इनमें से क्या कर रहा था जिराफ जब मिस्टर स्लॉथ उस पेड़ पे चढ़ते हैं? तो इनमें से कौन सा काम कर रहा था जिराफ? डूइंग मतलब वो कौन सा काम कर रहा था? स्लीपिंग कर रहा था, ईटिंग कर रहा था, कि स्क्वैकिंग कर रहा था? क्या कर रहा था वो? ईटिंग कर रहा था, वो खा रहा था. तभी तो बाकी जानवर जो नीचे खड़े थे उन लोग ने मिस्टर स्लॉथ को क्या बोला? नहीं नहीं वहाँ पे मत चढ़ो, अगर आप वहाँ पे सो गए तो जिराफ सोचेगा वो उस पेड़ के पत्ते समझ के आपको वो निबल कर जाएगा, मैंने वो छोटे छोटे टुकड़े ले लेगा आपके बालों का. तो वो क्या कर रहा था जिराफ उस वक्त? वो खा रहा था, वो पत्ते खा रहा था, ईटिंग कर रहा था. तो इसलिए बॉक्स में जाके ईटिंग पर टिक कर दिया, ठीक है. और उसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उस थर्ड नंबर पे देखिए इस तरीके से चार जानवर दिए हुए, ठीक है. इसमें से आपसे ये पूछ रहे हैं इन चारों जानवरों में से सबसे पहले मिस्टर स्लॉथ किससे मिलता है? वो सबसे पहले वो किससे मिलते हैं? सबसे पहले वो जिराफ से मिलते हैं. इसलिए मैंने सबसे पहले वाले बॉक्स में वन लिखा है. ये जो जिराफ के नीचे जो बॉक्स है उस पे वन लिखो. सबसे पहले मिस्टर स्लॉथ किनसे मिले थे? जिराफ से मिले थे. तो जिराफ वाले फोटो के नीचे जो बॉक्स है उस पे आप अच्छे वन लिखो, ठीक है. फिर वो किससे मिलते हैं? वो मिलते हैं मधुमक्खियों से. बी से मिलते हैं, आप लोग उस बॉक्स के नीचे आके लिखो टू, जहाँ मधुमक्खियों का फोटो है ना, पिक्चर दिया हुआ है, उसके नीचे जो बॉक्स है उस पे आप बच्चे टू लिखो. मिस्टर स्लॉथ दूसरी बार किससे मिलते हैं? वो मधुमक्खियों से मिलते हैं, ठीक है.
और उसके बाद ये देखिए आप लोग यहाँ आ जाओ, ये थर्ड पिक्चर स्नेक का है, स्नेक से मिले था ना वो, तो थर्ड नंबर पे वो किससे मिले हैं, स्नेक से। तो आप स्नेक्स के नीचे जो बॉक्स है उसको लिखिए 3, ठीक है। और सबसे आगे का वो किससे मिले थे, बर्ड से, चिड़ियों से मिले थे वो, तो क्या हुआ वहां पे लिखो 4, इस चिड़िया का जो फोटो है उसके नीचे आप लिखो 4। तो सबसे पहले वो किससे मिले थे, जिराफ से, फिर वो मिले थे मधुमक्खियों से, फिर वो मिले थे स्नेक से, और आखिरी में वो मिले थे चिड़िया से, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग नीचे, ये लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। क्या है, मैच द कॉलम में क्या लिखा है, मैच द एनिमल्स विद देयर फूड। एक तरफ जानवर एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ फूड के नेम लिखे हुए हैं, कुछ जो खाते हैं उस फूड के नाम लिखे हुए। अब आपको क्या करना है, कौन सा जानवर कौन सा फूड खा रहा है उसके साथ उसको मिलाना है, ठीक है। सभी जानवर सब चीजें नहीं खाते, कुछ जानवर कुछ अलग चीजें खाते हैं, तो कौन सा जानवर क्या खाता है ये आप उसे देख के उस पर जाके आपको मिलान करना है, उस पर जाके आपको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, COW, काउ। काउ क्या खाती है, देखा होगा ना आपने, गाय क्या खाती है, गाय कैरेट खाती है, घास खाती है, की जूस फ्रॉम फ्लावर्स लेती है, बनाना या फिर फिश। क्या खाते हैं काउ, काउ क्या खाते हैं, घास। वो क्या खाते हैं, घास, GRASS, ग्रास मतलब घास, गाय घास खाती है, काउ को सी से जाके घास से जाके मिला दो, ठीक है, एक लाइन से इसको मिला दो। उसके बाद नेक्स्ट है बी, बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या खाती है वो CARROT कैरेट खाती है, GRASS ग्रास खाती है, कैरेट मतलब गाजर, ग्रास मतलब घास, या फिर JUICE जूस, FROM from FLOWERS flowers, root from flowers मतलब फूलों का रस, फूलों का रस लेती है, कि वो BANANA बनाना यानी कि केला खाती है, कि FIS फिश यानी कि मछली खाती है। क्या खाती है बी, उसका फूड क्या होता है, यस वो क्या करती है, फूलों का रस लेती है, फूलों से रस चूसती है, देखा होगा ना आपने बी पर, बी क्या करती है, फूलों के पास मंडराती है, वो फूलों का रस लेती है। तो आप बच्चे क्या करो, बी को सी ले जाके जूस फ्रॉम फ्लावर्स के साथ मिला दो, ठीक है। यहाँ से सीधे जूस फ्रॉम फ्लावर्स, जूस मतलब रस, फ्लावर्स मतलब फूल, फूलों का रस, ठीक है। देन है CAT कैट, कैट क्या खाती है, गाजर खाती है, कैरेट यानी कि गाजर खाती है, ग्रास यानी कि घास खाती है, जूस फ्रॉम फ्लावर्स मतलब का रस लेती है, कि BANA बनाना यानी कि केला खाती है, या फिश खाती है, मछली खाती है, कैट क्या खाती है, मछली। तो आप बच्चे क्या करोगे, कैट को सीधे जाके FIS फिश के साथ जोड़ोगे, फिश यानी कि मछली। बिल्ली क्या खाती है, मछली खाती है, फिश खाती है, तो फिश को जोड़ दो। फिर है R है WBIT रैबिट, रैबिट यानी कि खरगोश, खरगोश क्या खाता है, CARROT गाजर। तो आप क्या करो, रैबिट को सीधे जाके कैरेट के साथ मिला कर दो, उसके साथ आप बच्चे मैच कर दो, रैबिट यानी कि खरगोश, कैरेट यानी कि गाजर, रैबिट क्या खाती है, कैरेट, गाजर खाती है, ठीक है। फिर MONKEY मंकी, मंकी यानी कि बंदर, बंदर क्या खाता है, BANANA बनाना यानी कि केला। तो आप बच्चे सीधे मंकी को जाके बनाना के साथ मैच कर दो, ठीक है। अब इस चीज का, ये सारे एक्सरसाइज का मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी, आप बच्चे उस पीडीएफ को देख के भी कर सकते हो आराम से, अपनी बुक खोल के पीडीएफ को सामने रखो और वन बाय वन उसका काम करते जाओ, ठीक है। जब आप लोग का ये काम हो जाएगा, आप बच्चे क्या करोगे, अपने मम्मी पापा को बोलोगे इसकी एक पिक ले लो और सीधे क्या करो, मेरे मोबाइल पे आप लोग सेंड कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को हर दिन का काम जो आपके टीचर्स भेजते हैं उसको करना है, और आप लोगों को समय को खराब ना करके आप लोगों को उसको याद भी करना है, ठीक है। तो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय फ्रॉम योर मैम, आप लोग घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए, बाय।